कपास की खेती भारत में कई सारे इलाकों में की जाती है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास से जो चीज़ निकलती है उसे हम बोलते हैं रुई, जिसे कॉटन भी बोला जाता है। और इस कॉटन का यूज़ कई सारे कामों को करने के लिए किया जाता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इसलिए ये भारत में उगाने के बावजूद भी विदेशों में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में पहुँचाया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप कॉटन मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इससे। आज की इस वीडियो में आपको टोटल 5 पॉइंट्स मिलने वाली है, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि किस तरीके से आप कॉटन मिल को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से कॉटन मिल काम करता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, कॉटन मिल के लिए आपको स्पेस कैसी और कितनी चाहिए, कहाँ पे चाहिए। तो स्पेस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक स्पेस आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक कॉटन मिल स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा आउट सीज़न के लिए। जब आपको कॉटन मंडी में ना मिले या फिर आसपास कहीं ना मिले, उस वक्त आप अपने उस स्टॉक से काम चला सकें, इसलिए आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा। तो 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, एक स्टोर बनवाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पर आप मशीनें रख के इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पेस कहाँ पर होनी चाहिए अगर इसकी हम बात करें तो आप इसे मंडी के आसपास कहीं पर रख सकते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ पर कॉटन बिकता हो, कपास जो है वो आपका बिकने आता हो मंडी में, ऐसे मंडी के आसपास में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे किसानों के आसपास में भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर कपास की खेती अधिक होती हो। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आगे जाकर आपको बिज़नेस बंद करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरी चीज़, आपके बिज़नेस का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो आपके पास आपका GST नंबर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास आपका आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ, आप भारत के ही नागरिक हैं जो यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर हमें किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ मशीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सर्जिकल कॉटन रोल कटिंग मेकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर कॉटन रोल कटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये दो मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, एंड इससे आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, क्या हमें यहाँ मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल हमें यहाँ मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। कितने, 10 से 12 लोग एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप छोटे लेवल पर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कॉटन आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, उस कॉटन को मशीन में डालना, मशीनों से जब आपके कॉटन के रोल बन जाएंगे तो उन कॉटन के रोल्स को एक जगह पर रखना, उसके बाद जब वो सेल होंगे तो उन्हें उठाकर इधर से उधर करना, साथ ही साथ आपकी जो मशीन्स होंगी उनको भी चलाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए 10 से 12 लोगों की ज़रूरत ज़रूर से ज़रूर यहाँ पड़ने वाली है अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस किस लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बड़े लेवल का बिज़नेस से स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा होने वाला है, छोटे लेवल का करते हैं तो छोटा होने वाला है। फिर भी एक अनुमान अगर हम लेकर चले तो लगभग 5 लाख रुपए की आपकी ये मशीनें हो जाएंगी। एंड इसी के साथ में अगर आप खरीदते हैं एरिया, जमीन खरीदते हैं, उसके बाद गोडाउन बनवाते हैं, फिर माल खरीदते हैं, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लग जाने वाला है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप अगर रेंट पर ले लेते हैं कोई गोडाउन एंड वहाँ पर इसे स्टार्ट कर लेते हैं रेंटल एरिया में, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम आने वाला है। फिर आप इसे 10 से 12 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप जमीन खरीद के वहाँ पर एक गोडाउन बनवाते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए तक मान के रख लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट आता है अगर आप एक कॉटन मिल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप कॉटन मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।